अब देखो यार, जब से 200 सेंसिटिविटी आया है ना, तब से हम लोगों के हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर गोलियां बॉडी में ही चिपक जा रही हैं। गन्स भयंकर रिकॉइल मार रहा है या। और हमारा एम भी बार बार बड़ा हो जा रहा है। एंड यू नो गाइस, इन सब चीजों को फिक्स करती है हमारी मोबाइल की परफेक्ट सेंसिटिविटी। और अभी के टाइम में ऐसा है ना, मैक्सिमम यूट्यूबर आप लोगों को बस ऊपर ऊपर से बता देते हैं, अगर तेरे पास इतने रैम का फोन है तो इतना सेंसिटिविटी रख ले, इतने रैम का फोन है तो इतना रख ले। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ कर दिया था कि सिर्फ रैम से सेंसिटिविटी बताना इम्पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके फोन के हिसाब से सेंसिटिविटी बताने वाला हूं। नो मैटर भैया कि आपके पास कौन सा फोन है, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो फ्री फायर खेलते हैं और एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ रहे हैं। असल में देखो होता क्या है, आप में से मैक्सिमम बंदों के पास या तो 3GB रैम का फोन है, या तो 4GB रैम का फोन है, या तो 6GB रैम का फोन है। आपके पास जो फोन है वो या तो रियलमी का होगा, या तो एमआई का होगा, या तो पोको का होगा, या फिर किसी अदर ब्रांड का हो सकता है। आप में से मैक्सिमम बंदे उन यूट्यूबर्स का वीडियो देखते हैं जो आईफोन में गेम प्ले करते हैं। भैया खुद ही दिमाग लगाओ कि हेडशॉट किधर से लगेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग स्पेसिफिक फोन के हिसाब से स्पेसिफिक सेंसिटिविटी बताने वाला हूं। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब देखो यार, आप में से ना मैक्सिमम बंदे डीपीआई का यूज नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। और आप में से कुछ बंदे यूज ही नहीं करते हैं। किसी यूट्यूबर ने बोल दिया है कि 200 सेंसिटिविटी आ गया है तो डीपीआई का यूज नहीं करना है, बस कोई यूट्यूबर बोल दिया आप लोग तो तुरंत मान ही लेते हो। देखो भाई लोग, अगर मेरी मानो तो हेडशॉट मारने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस में डीपीआई का यूज करना बहुत ज्यादा मस्ट होता है। और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लो, सेंसिटिविटी सेट करने के बाद आप लोगों को डीपीआई नहीं लगाना होता है, डीपीआई लगाने के बाद सेंसिटिविटी सेट करना होता है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को आपके डिवाइस के हिसाब से पहले डीपीआई बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आपके फोन के हिसाब से सेंसिटिविटी भी बता दूंगा। देखो आप में से कुछ को पता नहीं कि डीपीआई का सेटिंग कैसे ऑन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आप लोगों को अपने अबाउट में जाना है, बिल्ड नंबर को खोजना है, फिर बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार क्लिक करना है। देन आप लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा और डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर आप लोग डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद भी ढूंढ सकते हो मिनिमम विथ का ऑप्शन, बाकी यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है इसी को बोलते हैं डीपीआई। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अपने डिवाइस के हिसाब से डीपीआई कितना रखना चाहिए। देखो Xiaomi, Redmi और Poco की सेंसिटिविटी ना काफी ज्यादा सिमिलर होती है, तो पहले बात करते हैं इन तीन डिवाइस के डीपीआई के बारे में अकॉर्डिंग टू रैम। तो देखो अगर आपके फोन का रैम 2GB, 3GB या 4GB है, तो आप लोगों को डिफॉल्ट डीपीआई से 85 प्लस करना है। मतलब अगर 360 डीपीआई है तो आप लोगों को उसमें 85 प्लस कर देना है। और अगर आपका रैम 6 से 8GB है तो आप लोगों को 75 प्लस करना है। और अगर आपका रैम 12GB है तो आप लोगों को 55 डीपीआई बढ़ाना है, मतलब 55 प्लस करना। और अगर आप लोगों के पास वीवो, ओप्पो, आईक्यू, मोटोरोला ये 4 डिवाइसेज है, आपका रैम 2 से लेकर 4GB रैम तक है, तो आप लोगों को डिफॉल्ट डीपीआई में 95 डीपीआई प्लस कर देना है। और आपका रैम 6 से लेकर 8GB तक है, आप लोगों को 85 डीपीआई प्लस करना है। चलो अब बात कर लेते हैं सैमसंग, नथिंग फोन, इन्फिनिक्स, गूगल पिक्सल, इस तरह के फोन ब्रांड्स की। इन फोन्स की जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो थोड़ी सी वीक होती है, जहां तक मैंने देखा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का फोन है और आपका रैम 2 से लेकर 4GB रैम तक है, तो आप लोगों को अपना डीपीआई 110 तक बढ़ाना है। और आपका रैम 6 से 8GB है, तो आप लोगों को 95 प्लस करना है डीपीआई। और आपका रैम 12 से लेकर 16GB तक है, तो आप लोगों को 85 प्लस करना है डीपीआई। वीडियो में मैंने फास्ट फास्ट बोला, तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ समझ में ना आए, आप लोग वीडियो का स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो अगेन एंड अगेन देखना पड़े, मतलब 4-5 बार भी देखना पड़े, तब भी देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों ने ज्यादा डीपीआई लगा दिया या फिर गलत डीपीआई लगा दिया, तो भैया बूम, ये भगवान क्या जुलूम है। वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो और वीडियो को एक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार, कर दो जल्दी से, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों के पास Xiaomi का फोन है, Realme का फोन है, या फिर कोई Poco का फोन है, अगर ये तीन डिवाइस आपके पास है और आपका रैम 2 से लेकर 4GB है, तो आप लोगों को अपने फ्री लुक को 111 रखना है, और स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को आप लोगों को 120 कर देना है, 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को आप लोगों को 140 कर देना है, और 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को आप लोगों को 170 कर देना है। एंड बात की जाए रेड डॉट सेंसिटिविटी की, इसको आप लोगों को 160 कर देना है। एंड बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी, जनरल सेंसिटिविटी के बारे में, तो इसको आप लोगों को 140 रखना है। अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये उनके लिए जो पोको में खेलते हैं, या फिर Xiaomi में खेलते हैं, या फिर Realme में खेलते हैं, और उनका रैम 2 से लेकर 4GB है। अब उनके लिए बात करते हैं जिनका रैम 6 से लेकर 8GB है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैंने 2 से 4GB रैम वालों के लिए बताया था, बस 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को 5 कम कर देना, रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 10 कम कर देना, जनरल सेंसिटिविटी को 7 कम कर देना। और अगर आपके पास 12 से लेकर 16GB रैम का फोन है, तो देखो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 8GB और 12GB काफी हद तक सिमिलर सेटिंग ही वर्क करती है। जो 8GB में यूज करते हो वही 12GB में यूज कर लेना। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बाकी के डिवाइस की सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप एक स्पोर्ट फैन है और बिग विन के नए तरीके की तलाश में है, आपको इंडिया के नंबर 1 स्पोर्ट गेमिंग साइट हेलोक्स के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पे आप लोग आईपीएल के सीजन में क्रिकेट के साथ और भी कई सारी गेमें खेल सकते हो, जिसमें सुपर कैश बोनस ऑफर शामिल है, फुटबॉल, टेनिस जैसे अन्य गेम भी खेल सकते हैं, सभी में रियल मनी विन करने के चांसेस हैं। आप इसमें लाइव स्कोर देख सकते हैं दुनिया के कोई से भी मैच, स्ट्रीमिंग भी पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री बिना किसी सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोग अभी साइन अप करते हो तो आप लोगों को ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, और अगर किसी को रेफर करते हो तो रेफरल बोनस भी मिलेगा। बोनस रिवॉर्ड से आप लोगों को फ्री स्पिन भी मिलेगा, जिससे आप लोग गारंटी रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। और इसके अलावा इनके पास डेली कैशबैक, डिपॉजिट कैशबैक, बैंक कैशबैक, वीकली टूर्नामेंट और मेगा विनिंग के भी चांसेस हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत आती हो, तो आप लोग टोल फ्री नंबर 24/7 चैट कर सकते हो। अगर आप लोग पैसे विन करते हो, तो आप लोग को इंस्टेंट विड्रॉल, इंस्टेंट डिपॉजिट भी मिलेगा। खेलो एक्स पे सब कुछ क्विक एंड इजी है, ज्वाइन करना इजी है, खेलना इजी है, विनिंग करना इजी है, एंड विड्रॉल तो सुपर क्विक एंड इजी है। तो अपने फेवरेट गेम के लिए अपना प्यार दिखाओ और गारंटेड रिवॉर्ड जीतो, आज ही साइन अप करो और विनिंग स्टार्ट करो। इसकी लिंक आप लोगों को पिन
पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं वीवो, ओप्पो, आईक्यू और मोटोरोला फोन के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी की। अगर आपके पास इन चारों में से कोई सा भी फोन है और आपका रैम 2 से लेकर 4 GB रैम तक है, अब आप लोगों को अपने फ्री लुक को 130 रखना है और अपने AWM स्कोप की सेंसिटिविटी को 125 रखना है। बात की जाए 4x स्कोप की सेंसिटिविटी की, इसको आप लोगों को 172 रखना है। इसी तरीके से बात की जाए 2x स्कोप की सेंसिटिविटी की, इसको आप लोगों को 195 रखना है। रेड डॉट को आप लोग 172 रख लेना। एंड बात की जाए जनरल सेंसिटिविटी की, इसको आप लोगों को 170 रख लेना। बात करते हैं उनके लिए जिनके पास ये वाला फोन है बट वेरिएंट अलग है, मतलब अगर आप लोगों के पास 6 से लेकर 12 GB रैम तक का फोन है, ऐसे में आप लोगों को ज्यादा चेंजमेंट करने का जरूरत पड़ता नहीं। जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैंने 2 से 4 GB रैम वालों के लिए बताया है, उसमें से बस आप लोग जनरल को 10 कम कर लेना, रेड डॉट को 5 कम कर लेना और बाकी सेंसिटिविटी तो स्कोप की सेंसिटिविटी उतना मैटर करती नहीं है, बट फिर भी उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उनके लिए जो 6 से लेकर 12 GB रैम तक के फोन में गेम प्ले करते हैं। बात करते हैं अदर फोन ब्रांड्स की। अगर आपके पास लिनोवो, माइक्रोमैक्स, नथिंग फोन 1, सैमसंग, इन्फिनिक्स, गूगल पिक्सल, ये सारे डिवाइसेज हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे वाले डिवाइस में सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पे मैंने सैमसंग का नाम लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सैमसंग S22 प्लस अल्ट्रा लेके आ जा रहे हो और उसमें सेंसिटिविटी कम लगा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर ये सारे फोन आपके पास मिड रेंज वाले हैं तभी ये सेंसिटिविटी काम करेगी, मतलब 10,000 से लेकर 30,000 तक के फोन। तो इन सभी फोन के लिए मैंने एक लेजेंडरी सेंसिटिविटी बनाया है, वो मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करो। मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो यार जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया, अगर आप लोगों के पास इन्फिनिक्स, लिनोवो, सैमसंग इस तरह के फोन है, आपका रैम 2 से लेकर 4 GB तक है, ऐसे में आप लोगों को ये वाली सेंसिटिविटी कॉपी करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, वही आप लोगों के पास 6 से लेकर 12 GB रैम तक का फोन है, आप लोग ये वाला कॉपी कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार था आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाऊं आप लोग सजेस्ट करो प्लीज कमेंट बॉक्स में, जो टॉपिक आप सजेस्ट करोगे मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।